चलो लेट्स कंटिन्यू। कल क्या कर रहे थे हमने, क्या किया हमने बोलो? कंडक्शन, कंडक्शन स्टार्ट किया था। कंडक्शन में जो लास्ट चीज हमने की थी दैट वाज के, के इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का क्या सिग्निफिकेंस है, किस चीज पे डिपेंड करता है ये? नेचर ऑफ मटेरियल का नेचर क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगा। और अगर थर्मल कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, गुड कंडक्टर्स की ज्यादा होगी, गुड कंडक्टर्स की ज्यादा होती है, और बैड कंडक्टर्स की कम होती है। यू कैन राइट दिस, यहाँ पे हमने परफेक्ट के लिए लिख लिया था, एक लाइन और साइड चाहे इसमें ऐड कर लो। गुड कंडक्टर्स के लिए मोर के, एंड बैड कंडक्टर्स के लिए लेस के, लेस के। ओके, लेट्स से एक कंडक्टर है, उसको हमने कांस्टेंट हीट फ्लो दे रखा है, ठीक है, मतलब क्यू बाय टी यू समझ लो, रेट ऑफ हीट जो सप्लाई है उसको कांस्टेंट है, तो दैट मींस क्यू बाय टी कांस्टेंट हुआ। रेट ऑफ हीट सप्लाई क्यू बाई टी अगर कॉन्स्टेंट है, मतलब एक फ्लो जो रेट ऑफ हीट फ्लो है दैट इज कॉन्स्टेंट, इट इज कॉन्स्टेंट, देन जो के, और अगर मैं दो मटेरियल्स को कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूं हैविंग सेम एरिया एंड एरिया ऑफ लेट्स से टू मटेरियल्स या टू रॉड्स इज सेम, देन मेरे पास जो बाकी दो टर्म्स बची दैट इज के इनटू ये क्या चीज होती है, डेल्टा टी बाय एल क्या होता है, टेंपरेचर ग्रेडिएंट, टेंपरेचर ग्रेडिएंट, ये कांस्टेंट आ गया। हां कि ना, यस यस सर, दैट इज के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर ग्रेडिएंट। हां कि ना, यस सर, यस सर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर के ज्यादा है तो टेंपरेचर ग्रेडिएंट कम होगा, है ना? Yes. यही हुआ, yes, अगर के ज्यादा है टेम्परेचर ग्रेडियंट कम होने का मतलब के ज्यादा किसमें होता है, गुड कंडक्टर्स में, yes, yes, sir. तो उसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट कम होगा क्या कंडक्टर्स में या इंसुलेटर में? अगर बैड कंडक्टर और गुड कंडक्टर की बात करें किसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट तुम लोगों को लॉजिकली समझ में आ रहा है किसमें ज्यादा होगा, गुड कंडक्टर्स में टेम्परेचर ग्रेडियंट तो मतलब नहीं है लगेगा ऐसा, देखो फर्स्ट इंस्टेंट में आपको लगा कि भाई गुड कंडक्टर में टेम्परेचर ग्रेडियंट ज्यादा होगा, बट नहीं, टेम्परेचर ग्रेडियंट का मत ज्यादा होने का मतलब है टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होना। और लकड़ी का अगर पीस है एक तरफ से उसको अगर गैस पे रख दे वो तो जल जाएगा भाई, दूसरी साइड तो ठंडी रहेगी, तो उसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या हुआ, ज्यादा हुआ, ठीक है। तो फॉर गुड कंडक्टर्स K is high and temperature gradient is low. And for bad conductors, vice versa, K is less and temperature gradient is high. मतलब heat transfer हो नहीं रही एक side से दूसरी side में। हाँ जी। अगर good conductors में temperature gradient कम है तो फिर ये कैसे सही चल सकता है? टेम्परेचर ग्रेडियंट कम होगा ना उसमें, देखो रॉड को अगर एक साइड से गर्म करेंगे तुम, लकड़ी की एक लकड़ी की स्टिक ले लो, एक लोहे की स्टिक ले लो, लोहे की रॉड ले लो, है ना, दोनों साइड दोनों को एक ही गैस पे एक एक एंड रख दो उसका, यस सर, ठीक है, तो वो वाला एंड जो गैस में उनका तो टेम्परेचर सेम होगा, यस सर, है ना, मान लो वो दोनों 60 डिग्री पे है, यस सर, और जो हाथ में एंड, यस सर, लकड़ी वाले का टेम्परेचर वो कम है, कम है, और उसका अपना क्या बोलते हैं रॉड जो लोहे की रॉड है उसका टेम्परेचर गर्म हो जाएगा, है ना,
दोनों रॉड अगर सर हीट ट्रांसफर से टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर ग्रेडियंट कम हो जाएगा. हाँ ठीक है ठीक है. इन दोनों का टेम्परेचर मान लो इधर 100 डिग्री है. यस सर. ये आयरन की है, ये वुड की है. इसका टेम्परेचर इधर 70 होगा और इसका टेम्परेचर इधर कम होगा. होगा जो भी रूम टेम्परेचर. तो टेम्परेचर ग्रेडियंट किसमें ज्यादा हुआ? वुड में. इसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट मोर है. इसमें कम है. उसमें मतलब जैसे जैसे हम हीट दे रहे हैं वैसे वैसे वो आगे जल्दी पास कर रही है. वो ट्रांसमिट हो रही है ना, कंडक्ट हो रही है वो. तो इसका टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जा रहा है इसलिए, क्योंकि उसने कंडक्शन करी जा रहा है, करी जा रहा है. वो वुड वाला बेचारा कंडक्ट कर ही नहीं पा रहा. और इसी को दिस इज दी यू नो एप्लीकेशन. जो वुडन हैंडल होते हैं बर्तनों में, मतलब वो हैंडल होते हैं जो वुड के होते हैं या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स के होते हैं. ठीक है, पीवीसी हो गया या वुड हो गया, जो भी है ना. राइट, दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस. एप्लीकेशंस भी लिख लो इसकी. एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टिविटी. Wooden handles are provided on the utensils like pans, etc. और कोई example? अच्छा एक बात बताओ मुझे. एक हमने अगर एक कंबल लेते हैं और एक मोटा कंबल है ना, एक मोटा कंबल है इतना है ना, ये लिया हुआ है, या फिर इसकी जगह हमने दो पतले कंबल रखे हैं, किसमें गर्मी ज्यादा लगेगी? दो पतले कंबल में. दो पतले वाले में. दो पतले वाले कंबल में. क्यों सर? एयर की दो लेयर जो इसलिए जो गर्मी बाहर से अंदर नहीं जा पाएगी, अंदर से बाहर नहीं जा पाएगी, अंदर से बाहर नहीं जा पाएगी, अंदर से बाहर नहीं जा पाएगी. बॉडी हीट जो है वो बाहर एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाएगी, तो इसमें ज्यादा गर्मी लगेगी. इसलिए कंबल तुम लोगों ने शायद कई बार देखा भी होगा, आई डोंट नो, आजकल के बच्चों ने देखा भी होगा, जब कंबल वंबल बनते हैं तो उसको बाद में मारते हैं कॉटन के, अगर बीच में रजाई वगैरह बनती है ना. यस सर. ना जो वो उसमें वो भरते हैं कॉटन वगैरह या जो भी पॉलिथीन वगैरह भरते हैं, उसको बाद में डंडों से मारते हैं. वो क्यों मारते हैं? ताकि एयर निकल जाए. मुझे लगा मेरी सारी हवा निकल जाए उसमें से. मुझे तो लगा डस्ट निकले. हां डस्ट नहीं झाड़ रहे होते. डस्ट नहीं झाड़ते हो? अरे डस्ट झाड़ने के लिए इतनी मेहनत कौन करेगा? जहाँ पे भी वहाँ उसकी गांठ मतलब वो ज्यादा टाइट होगा, अंदर कॉटन गांठ बनी होगी, उसको खोलते हैं ताकि एयर ज्यादा ट्रैप हो जाए उसमें. यस सर, वही सेट करते हैं. एयर निकालते नहीं है, एयर डालते हैं उसमें. ठीक है, वो खोल देते हैं उसको, कॉटन को ना सारा फैला देते हैं ताकि बीच में जितनी ज्यादा एयर है वो ट्रैप हो सके. ठीक है, इसलिए तो उससे क्या होगा फिर? कंडक्टिविटी कम हो जाएगी ना, हीट बॉडी हीट से बाहर निकली. दो कंबल लेके जो फर वाली जैकेट्स, मैं दो ही लेके सोती हूँ, मुझे बहुत ठंड लगती. जो फर वाली जैकेट टाइप्स होती है ना, जो वो ज्यादा गर्म होती है, ज्यादा ठंडे इलाकों में लोग फर वाली जैकेट वगैरह पहनते हैं क्योंकि उसमें एयर ट्रैप होती है. टू थिन ब्लैंकेट्स. चले मेरे लिए तो प्रैक्टिकली गलत पॉइंट है ये जो भी है. क्यों?
मिलन रजाई के कंपैरेटिवली वो ज्यादा अगर ठीक देगा तेरे को पता है मैं लेती हूँ ना अरे नहीं देखो उसमें ठंड लगती है बट रजाई से कम लगती है मैं ये कह रही हूँ नहीं वो फर वाली जैकेट्स कौन सी कह रहे थे वो नहीं समझ में आया मेरे को जिनके अंदर वो फर नहीं लगी होती जिनके अंदर लगी होती है अंदर लगी होती बाहर थोड़ी फर लगेगी टोपी पे लगी होती है सारी से कैप वाली तो मेरे को पता है हां कैप में जो फर लगी होती है ना कई जैकेट्स के अंदर कह रहे हैं फिर अच्छा वो अंदर भी लगी होती है हाय हाय यार मैंने कभी नहीं देखी जैकेट अंदर हाय हाय देन वन ब्लैकेट ऑफ double width because hair is trapped in inside two thin blanket and hair is bad conductor of और कोई एप्लीकेशन सेम चीज वो उसमें भी होता है इग्लूज में इग्लूज हाँ राइट आ रहे हैं गर्म होता है इग्लूज में भी ना वो दो लेयर की वो बनाते हैं इग्लू बर्फ से बनता है ना हाँ हाँ उसमें डबल लेयर वॉल्स बनाई जाती हैं डबल लेयर वॉल्स इसलिए बनाई जाती हैं बीच में हवा ट्रैप हो जाए हवा विल नॉट कंडक्ट द इनसाइड हीट बाहर नहीं भेजेगा ठीक है सेम ही फंडा उसका भी नहीं वैसे फिर अंदर मतलब टेम्परेचर ज्यादा होने से बर्फ पिघलती नहीं बर्फ पिघलने के लिए इतना टेम्परेचर नहीं होता माइनस में होता अंदर भी और डबल लेयर्ड वॉल्स सो दैट एयर इज ट्रैप्ड इनसाइड दिस लेयर पंछियों को देखा है तुमने सर्दी में अपने आप को फुला लेते हैं पंखों को भी फुला लेते हैं फुला देते हैं देखा फुला देते हैं नहीं देखा कैसे फुलाएंगे वो अरे थोड़ा ऐसे लगता है मोटे से होके बैठ जाते हैं हाँ हाँ वो तो हाँ तो सुबह वॉक पे देखा है राइट हाँ Yes. वो ठंड होती है ना सुबह सुबह तो वो ठंड ठंड से हो जाते हैं वो फेदर को लगेगी सिर्फ ठंड ना और अंदर वाली जो बॉडी हीट है उनकी वो बाहर नहीं जाएगी एयर ट्रैप कर लेते हैं अंदर पंखों पंख और बॉडी के बीच में बर्ड्स को भी कितनी साइंस आती है ना सर बर्ड्स व्हेन देयर फेदर Early morning, day after winter. To trap. Sir, अपने early morning लिख दिया. So, early morning to trap air between. And there. एक बात बताओ जरा गुरुद्वारा या मंदिर में वो मैट जो बिछा होता है ना
तो वो मैट क्यों बिछाते हैं गर्मियों में? कौन सा मैट? मैट नहीं होता फुट मैट है जो वहां पे जिसपे लोग चल के अंदर तक जाते हैं। अच्छा यस यस वो बहुत गर्म होता है और वो जमीन इतनी ठंडी। हाँ सर। और अगर अगर हम गर्मियों की बात करें सपोज गर्मियों में जमीन बहुत मुझे एक बात बताओ उन दोनों का टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा जमीन का गर्मियों की बात कर रहा हूँ या जैसे वो बेंच नहीं पड़े होते गर्मियों में स्कूल में जैसे लॉन में या फिर बाहर पार्क में लोहे का बेंच उसपे बैठते हैं तो मतलब पता लगता है फिर एक्टिवा की सीट पे भी और वो और कोई अगर सपोज लकड़ी का बेंच हो वो इतना गर्म पता लगेगा नहीं होता वो गर्म नहीं होता ना इतना ऐसा ऐसा वो गर्म क्यों नहीं होता गर्म क्योंकि वो हीट अब्सॉर्ब नहीं करता अब्सॉर्ब करेगा तो वो ठंडा रहे कंडक्ट नहीं करता मतलब वो जो मैट है वो ठंडा है उसका टेम्परेचर कम है और जो जमीन है ना उसका टेम्परेचर ज्यादा है मतलब सन है सन ने पार्शियलिटी कर रखी है कि मैंने मैट को गर्म नहीं करना क्योंकि लोगों ने इस पे चलना नहीं, है सर। नहीं पार्शियलिटी तो नहीं करता सन तो मतलब फिर उधर उसका टेम्परेचर वो पैड कंडक्टर वो इंसुलेटर होगा मैट के अंदर हीट होती है और उसके मटेरियल भी वो प्रॉपर हीट अब्सॉर्ब नहीं करेगा डू यू नो व्हाट सर यस वो थोड़ा थोड़ा ना मतलब सर वी डू नॉट नो प्लीज डू यू नो व्हाट उन दोनों का टेम्परेचर सेम होता है क्या सर कुछ नहीं लगता फिजिक्स सर तो इस पर विश्वास नहीं होता अरे मैं बता रहा हूँ इसका रीजन आगे दोनों का टेम्परेचर होता है बराबर जमीन का भी और मैट का भी लेकिन जमीन बहुत जल्दी हीट को कंडक्ट कर देती है अपने पैरों में बॉडी में राइट लेकिन दैट मैट इज अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट वो कंडक्ट ही नहीं कर पाता बेचारा अपने पैरों तक हीट को टेम्परेचर में फर्क नहीं होता लगता है जैसे तुम लोग किसी को नहीं ये लगा कि टेम्परेचर में अंतर नहीं है लगता है कि टेम्परेचर में अंतर होगा लेकिन टेम्परेचर में अंतर नहीं होता अरे टेम्परेचर में अंतर कैसे हो सकता है मतलब पूरा दिन हो चार घंटे हो गए मैट भी वही है जमीन भी वही है ऐसा कैसे हो सकता है कि मैट चार घंटों में भी उसके बराबर टेम्परेचर नहीं आ पाया होल डे मतलब ऐसा कैसे हो सकता है ना तो इट हैज टू बी अरे यार सेम टेम्परेचर होगा हर चीज का सेम सन में पड़े हैं ठीक है तो टेम्परेचर तो सेम होगा लॉजिक तो यही कहता है कि दोनों का टेम्परेचर क्या है सेम होना चाहिए ऐसा कैसे हो सकता है कि सेम ना हो लेकिन कंडक्टिविटी डिफरेंस की वजह से वो हमें गर्म क्यों लगेगा जब फटाफट हीट ट्रांसफर हो जाएगी अपने पैरों में हाँ के ना कोई भी चीज हमें गर्म कब लगती है जब लगे वो कंडक्ट तो हमारी बॉडी में लूज कर देते हैं और हम गेन कर लेते हैं हम जब हमारे हाथों में हीट जाएगी तभी लगेगा ना वो गर्म है ना तो हीट भेजता ही नहीं अपने हाथ में क्योंकि वो दैट इज बेचारा बैड कंडक्टर हीट अ मैट कोई भी जो भी नाम देना जूट मैट टाइप्स जूट के स्पेलिंग यही होता है यही होता है जूट मैट एंड ये सिर्फ जूट मैट एप्लीकेबल है या किसी भी मैट पे अरे नहीं नहीं सारे मतलब रबर मैट भी वो भी ऐसे ही होता है लेकिन रबर इज थोड़ा ज्यादा ये जूट मैट जो है जनरली जूट मैट्स बिछे होते हैं या फिर वो दरी टाइप है ना यस सर बट रबर मैट्स भी होते हैं रबर मैट्स भी होते हैं बट हर एक मटेरियल की डिफरेंट कंडक्टिविटी होती है ना तो वो दरी टाइप जो मैट होते हैं उनकी बहुत कम होती है कंडक्टिविटी जूट मैट की भी बहुत कम होती है सर रबर वाले मैट तो पीछे ही नहीं होते गुरुद्वारे फिर मंदिर में क्या रबर वाले मैट बिछे नहीं होते वहां पे होते हैं सर मैंने तो देखा अरे वो तो बाहर होते हैं सिर्फ पैर साफ करने के लिए नहीं सर मैंने अंदर भी देखे हैं मतलब ज्यादा नहीं बहुत रेयर होती है ठीक है यार मैट एंड टाइल उनकी मर्जी है उन्होंने अंदर रखने बाहर रखने नहीं रखने रखने कैप्टन सन सेम टेम्परेचर
बट फ्लोर फील्स हॉट एंड मैट डज नॉट बिकॉज मैट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट सो इट does not transfer the heat to our feet quickly. अरे ये जो हम गलत सोच रहे थे ना इसका पश्चाताप करने के लिए फिर मैं गर्मियों में जमीन पे चला करूंगी. Oh my god. Yes. ये तो मतलब जिंदगी में पहली बार आज सर ये मिलन को क्या हो गया पश्चाताप. मिलन फिजिक्स में तो ये चलता रहेगा तो किस किस का पश्चाताप करेगी. ये मिलन ने बात क्या की मेरे को ये नहीं समझ में आई. मिलन ज्यादा दिल पे लगी बात. हाँ और सर मुझे तो अभी भी अजीब लग रहा है. चलो जी ठीक है अब हम बात करते हैं ये तो वही एप्लीकेशंस की बात. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट सब टॉपिक दैट इज थर्मल रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का टॉपिक पढ़ के आया हो जो कल बोला था मैंने. नहीं पढ़ के आया ना सर. मैंने तो मैसेज ही रात को 12 बजे देखा है सर. हमारा पेपर था तो 15 मिनट पढ़ लेते. 15 मिनट का काम था सर मेरा तो ना. मैंने सर एक्सरसाइज 2 पेज लेनी की पता मुझे कितना टाइम लग गया. सर मैंने टेलीग्राम के ना सारे मैसेज म्यूट कर रखा तो मैं तो रात को 12 बजे मैंने भी म्यूट कर रखा है. हां मैं तो ये बोल रहा हूं चाहे जब मर्जी देखा 15 मिनट का काम था बस. चलो कोई बात नहीं फॉर्मूले याद है. तो कहां से मॉड्यूल से पढ़ा था ऐसे तो याद है कि पैरेलल और सीरीज का क्या होगा. फिर ऐसे याद के रिजल्ट तो याद दोनों के रिजल्ट्स तो याद है. ओके थर्मल रेजिस्टेंस पहले बात तो थर्मल रेजिस्टेंस स्टार्ट करते हैं. जो हमने 10th में या 9th में जब भी तुम लोगों ने पढ़ी है वो थी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का फटाफट से मतलब बता दो जनरल इंग्लिश मीनिंग. To oppose the flow of something. Yes. To oppose the flow of something. Electrical resistance means to oppose the flow of current electricity. Thermal resistance means to oppose the flow of heat. Simple. Heat. बस यही था. So thermal resistance क्या है? It is simply the resistance offered by the body to the flow of heat. इंसुलेटर का तो ऐसा मतलब इंसुलेटर इज अ वर्ड उसके लिए बोलते हैं जो बिल्कुल भी कंडक्ट ना करे. बैड कंडक्टर बोल दिया था मतलब बुरा. Offered by the body to the flow of सिंबल हम यहां पे भी इसका सिंबल जो है कैपिटल आर ही यूज. ठीक है जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो तुम लोगों ने 10वीं कक्षा में पढ़ी है उसका भी रेजिस्टेंस का सिंबल आर ही था. 10th वाली का इसका भी रेजिस्टेंस हम आर ही. ठीक है ओके तो एक इसमें एक और टर्म लिखो साथ में हीट करंट. हीट करंट करंट जो इलेक्ट्रिक करंट था. इलेक्ट्रिक करंट क्या था? I इज इक्वल टू V R V is equal to IR होता है. Yes, yes, sir.
V is equal to IR होता है, तो I is equal to V by R आ गया. Yes, sir. V क्या चीज होती है? V voltage होती है. Potential difference होता है. जो इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है वो किसकी वजह से दौड़ता है? बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से दौड़ता है. और जो हीट दौड़ती है वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से. बिल्कुल, बहुत बढ़िया. जो हीट करंट होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आएगा. तो वोल्टेज डिफरेंस की बजाय उधर कितना क्या आ जाएगा? टेम्परेचर डिफरेंस Q = T / R डेल्टा T / डेल्टा T. हां, डेल्टा T / R. इसका सिंबल हम यूज करेंगे H. H इज इक्वल टू हीट करंट डेल्टा T / R करंट, राइट. तो यहाँ पे डेल्टा V की जगह आ जाएगा डेल्टा टी कौन आर, ठीक है. तो यहाँ से मेरे पास R क्या आ गया, देयरफॉर R इज इक्वल टू डेल्टा T / H. और ये जो हीट करंट है ना, इसको हम देखो एक और फॉर्मूला होता है करंट का, वो क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम. टाइम चार्ज अपॉन टाइम होता है. यस सर, यस सर. दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. चार्ज इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. एंड व्हाट इज हीट करंट? रेट ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट. हीट करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट. यही होता है. यस सर, यस. दिस इज आल्सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ दोनों कर सकते हैं. चार्ज का कोई ऐसे स्टैंडर्ड वो नहीं है कि स्मॉल क्यू करना है कैपिटल क्यू करना है, बोथ आर ओके. बट हीट का हम कैपिटल क्यू ही करते हैं सिंपल, इसलिए यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करने के लिए ना उधर स्मॉल इधर आ जाएगा क्यू बाय टी. ठीक है, यहाँ से मेरे पास देखो हीट एच की वैल्यू क्यू बाय टी है ना, इधर पुट करते हैं डेल्टा टी अपॉन क्यू बाय टी कर दे पुट. ठीक है, नाउ क्यू बाय टी का फॉर्मूला अपने ऊपर देखा था हमने, ये रहा क्या है, के ए डेल्टा टी बाय एल. यस सर, राइट. आल्सो क्यू बाय टी इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाय एल. देयरफॉर आर क्या आ जाएगा? डेल्टा टी बाय के ए डेल्टा टी बाय एल, दैट इज एल बाय. डिस्टर्बेंस आ रही है, म्यूट कर लो. L by KA, ये फॉर्मूला याद करना. वैसे सारे करने मैं इसको बाद में ना समरी टेबल में लिखवाता हूँ. एक L by KA रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये याद रखना है. इसको हम ना, तुम लोगों ने रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला किया होगा 10th में, रो L by A, याद है? Yes. Yes, yes. What is rho L by A? उसमें रो क्या होता है? कंडक्टिविटी का जो सिंबल होता है ना सिग्मा होता है, उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का सिंबल होता है सिग्मा. ठीक है, अगर किसी को नहीं पता, दिस इज कंडक्टिविटी. कौन सी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ना. और यहाँ पे हम कौन सी कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं? थर्मल कंडक्टिविटी. थर्मल कंडक्टिविटी, उसका सिंबल क्या होता है? के.
के ये फॉर्मूला बन गया देखो एल बाई के ए एल बाई सिग्मा ए राइट तो बिल्कुल सारे के सारे फॉर्मूले ना ये बिल्कुल एनालॉगस हैं ये तो ये एनालॉजी जो है वो आपको याद रखनी है एनालॉजी मैं लिखवा देता हूँ दोनों की इलेक्ट्रिसिटी की और हीट की नोट हो गया यहाँ तक यस सर यस सर ठीक है एनालॉजी लिख लेते हैं इधर क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वाले फॉर्मूले जो है हमें याद हैं तो इसलिए ये याद करने में भी मुश्किल नहीं होंगे तो लेट्स से इधर इस साइड में इलेक्ट्रिसिटी लिख लो और इस साइड में एक एक करके सारे देखते हैं ओके इलेक्ट्रिसिटी में क्या फ्लो करता है इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो करता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ड्यू टू potential difference. और इसमें heat current flows due to temperature difference. heat current flows due to temperature difference. है ना और क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो कर रहा है दैट मींस यहां पे जो करंट का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा डेल्टा वी बाय आर हम वी बाय आर लिख देते हैं जनरली और यहां पे वो करंट का फॉर्मूला इसको हीट से एच से रिप्रेजेंट करते हैं हीट करंट को वो हो जाएगा डेल्टा टी बाय आर और आई का इधर फॉर्मूला एक और होता है विच इज क्यू बाय टी चार्ज अपॉन टाइम और इधर होगा कैपिटल क्यू बाय टी विच इज हीट पर यूनिट टाइम हीट फ्लो पर यूनिट टाइम इधर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है दैट इज रो एल बाय ए विच इज एल बाय सिग्मा ए और यहाँ क्या बन जाएगा R is equal to L by K सिग्मा की जगह क्या आ जाएगा K L का वही मतलब है A का वही मतलब है किसी को अगर किसी सिंबल का मतलब नहीं पता do let me know now जब न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे फिर मत बोलना सर ये L क्या था अभी Q छोटा Q क्या है बड़ा Q क्या है लिख लो तो छोटा Q है चार्ज यह है हीट यह है टेम्परेचर यह है टाइम यह है थर्मल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस सर जी सर डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस नहीं आएगा मैंने टी का ही बस बताया था वैसे कोई बात नहीं okay. temperature difference time potential difference this is heat current this is electric current length area electrical conductivity length area thermal conductivity Done. Noted.
नोट हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है जी, क्वेश्चन करो। वेरी करेक्ट। मिलन नहीं, यूनिट ध्यान से देखो। यस सर, ठीक है, मैंने देख लिया। सिमर यूनिट्स, निष्ठा हर्षिया करेक्ट, सिमर मिलन करेक्ट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर एक वो फॉर्मूला भी तो होता था, h equals to i square rt, वो यही हीट है? h नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं है। फिर सर वो क्या था? वो तो h था, वो तो एनर्जी थी, हीट एनर्जी डिसिपेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन दिस इन द वायर। यस ठीक है ठीक है, ये जूल्स लॉ है ना, हीटिंग, वो जूल्स लॉ था ये, तो दिस इज हीट करंट। यस सर ठीक है, सिंबल जरूर सेम है बट डिफरेंट। ओके, गुरकर्मन रिदम रीति करेक्ट, प्रबल करेक्ट। अरे फटाफट कर दो, इसमें तो एक ही सेकंड का काम है। टेम्परेचर ग्रेडियंट ही पूछा है सिर्फ। अभिषेक निवेदिता सुखमन करेक्ट, कुशल अग्रवाल क्या कर रहा है भाई, गलत है। सिमरन ठीक है, मुस्कान नहीं, मुस्कान यूनिट्स, जूल पर सेकंड। ठीक है सर, बताना सही है। हाँ ठीक है सर, फिर इन्होंने इतना कुछ टाइम पास के लिए दे रखा है? सच में टाइम पास के लिए दिया, तुम लोग भी टाइम पास कर रहे हो पता है। अरे इसमें सर, मैं कब की देख रही हूँ, कहाँ कहाँ यूज होगा? डेल्टा टी बाय एल पूछा है सिर्फ, ठीक है, तो डेल्टा टी कितना है? 125 माइनस 25 और एल कितना है? 50 बाय 100, 50 सॉरी, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 50 सेंटीमीटर, so it is just 2 degrees Celsius per centimeter. ये खत्म। अगला सवाल, इन्होंने टाइम पास के लिए तुम लोगों को खिलौने दिए और तुम लोग खेलने लग गए। भी बढ़ेंगे लेवल देखना। सर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हम कैसे लिखेंगे सर? बाद में लिख लेना क्वेश्चंस, डोंट राइट द क्वेश्चंस नाउ, ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट्स, कीप इट असाइड, बाद में लिखना क्वेश्चंस को, अभी सॉल्व करने पे ध्यान दो तुम लोग। ओके सर।
आर्यन मेहता करेक्ट. सिमर करेक्ट. कुशल गर्ग नोप. उदय करेक्ट. हाँ आर्यन. दीप्ति नो. मिलन करेक्ट. निष्ठा करेक्ट. दिमाग पागल करने के लिए दी. तो किससे बातें कर रहा है अग्रवाल? अनम्यूट था सर. हाँ नहीं हमें ऐसे ही पता लग गया हमारे पास हाथ में है. मुझे नहीं पता था अनम्यूट. हाँ वो तो पता है तभी तो बोला. हाँ तुझे नहीं पता था इसलिए तो ऐसे बातें कर रहा है. वो तो ठीक है. किसका लास्ट नाम बोला मैंने? मिलन शायद. आर्यन या मिलन? आर्यन का तो सबसे पहले बोला था. उसके बाद तो आया था उसका मैसेज. ओके मिलन के बाद निष्ठा का करेक्ट है. निष्ठा तक हो गया था. हो गया था. दीप्ति करेक्ट. निवेदिता करेक्ट. रिदम नहीं. प्रबल करेक्ट. नमन नहीं. गौरी करेक्ट. अर्शिया करेक्ट. गुरक्रमन नहीं. सिमरन नहीं. सुखमन करेक्ट. सुरभि नहीं. गुरकर्मन. हाँ अभी ठीक है. पहले से मैं सर्कुलर सर को अभी भी सर इसको भी बताओ सर. ऐसा ना आईक्यूएस में भी कुछ हुआ था क्या के मैं और कोई और पता नहीं कौन था ना सिमरन बात कर रहे थे तो आपने बोला क्या हुआ हम ऐसे ही बात कर रहे थे. सीता करेक्ट. रिविका नहीं. सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे मेंटेन कर लिया? कर लिया. अब देखो देखो क्या करना है इसमें. दोनों का सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया. क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब कौन सा है? ये यही जो भी है रॉड है. एक को शेप सीधी लाइन दे दी. सीधा रॉड बना दी. एक को सेमी सर्कुलर बना दिया. ठीक है. लेकिन जो सर्कुलर एरिया है वो क्या है? सेम है. अब हमें पूछा क्या है? द रेशियो ऑफ द हीट ट्रांसफर्ड. बाकी तुम लोग देख लेना इसमें मैच कर लेना. बाकी जिनके आंसर नहीं बोले. द रेशियो ऑफ द हीट ट्रांसफर्ड थ्रू द क्रॉस सेक्शनल ऑफ द सेमी सर्कुलर एंड द स्ट्रेट. पहले ऊपर कौन आएगा? तो इसमें अब सेम कौन कौन है? दोनों का मटेरियल डेल्टा टी कैसे सेम हुआ? क्योंकि ए का टेम्परेचर और बी का टेम्परेचर अलग अलग उन्होंने मेंटेन कर रखा है. दोनों के एंड्स दे आर मेंटेन्ड एट डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर्स. तो यहाँ पे हमें सीधा पता लग रहा है क्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल. खत्म. तो क्यू सेमी सर्कुलर डिवाइडेड बाई U straight is equal to semicircular. ऊपर आएगी length किसकी? Straight की. नीचे आएगी length semi की. Straight की length की. D ये अगर मान लो इसका radius. Radius 2R. अगर let's say R है ये, तो ये कितनी हो जाएगी? 2R. 2R. Yes. और semicircular का कितना होता है circle? Pi R. So 2 by pi. Yes. A option. सर वैसे एक चीज ना नोटिस करो, जो रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं ना और जो उसमें से सही आंसर होता है वो ऑपोजिट करके दिए होते हैं. मतलब ऑपोजिट करके दिए होते हैं. टू रेशियो पाई भी गिवन होता है. पाई रेशियो. ये तो हां तो सर ने बोला है. ये तो सर ने पहले बोल दिया था. ये तो स्ट्रेटजी. अच्छा मैंने नहीं सुना कभी. सर हर बार बोलते हैं रेशो का तो दोनों आंसर मिलेंगे आप लोगों को. नहीं मतलब सर कि हमें ना इतना हिंट तो हो ही जाता है कि आंसर हो जाएगा. हाँ ये समझ गई मैं.
क्लियर करें तो ये ए होगा या सी होगा बिकॉज दोनों उस टाइप के हैं। बी और डी तो मतलब पैटी कर दो। और वैसे सेमेस्टर तो देख के भी लग रहा है सर पाई तो आएगा ही बीच में। चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन करो। थर्मोकोल आइस बॉक्स। ये क्वेश्चन गलत है, थर्मोकोल का आइस बॉक्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आइस बॉक्स मतलब थर्मोकोल का कप होता है, मैंने तो नहीं देखा अभी तक थर्मोकोल का आइस बॉक्स। सर थर्मोकोल आइस बॉक्स अरे जिसमें बॉटल्स जिसमें बर्फ रखते हैं, इसमें बर्फ रखते हैं जिसमें सामान अंदर ठंडा रहे या ठंडा रहे, थर्मोकोल का होता है वो। थर्मोकोल इज अ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ थर्मोकोल। अच्छा पिकनिक पे जाते हैं ना वो डब्बा सा बना होता थर्मोकोल का। यस सर वो तो पता है सर, मतलब थर्मोकोल के दूसरे आते हैं ना अभी तो प्रॉपर आने लग गए जो प्लास्टिक वगैरह के। सर इसका अंदर का टेम्परेचर 0 डिग्री लेंगे। सोचो खुद, अभी पूछो मत कुछ, जो आ रहा है दिमाग में कर दो। उदय तुम कोई भी ले सकते हो, मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे, एरिया अप्रोक्सीमेटली सेम ही आएगा। बाहर वाला ही ले लो। जिया क्या सोचा फिर, क्या लेंगे इनसाइड टेम्परेचर? सर थोड़ी ना वैसे तो हो गया बट कैलकुलेशन करो करो कैलकुलेशन तो मैं तो यहां पे ही है ना। टेक योर टाइम डू द राइट कैलकुलेशन देन टेल मी। सर एप्रोक्स भी सकते हैं कोई नहीं। सर यहां पे हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर क्या चीज हुई? यू मतलब क्यू बाय एम में ये तो सर मेरा तो आंसर ही बहुत गंदा आ रहा है। गंदा मतलब मतलब हाँ, पॉइंट्स में आएगा, उसको 2 डेसिमल तक निकाल दो सर। अच्छा ठीक है। कुशल गर्ग नोप, उदय गर्ग करेक्ट गुड। सर 1 डेसिमल तक, 2 तक बताओ। 1 मिनट सर ये आंसर मत चेक करना, मैंने 4 kg तो देखा ही नहीं।
कैलकुलेशन ज्यादा है इसलिए आई एम गिविंग यू टाइम. यू गाइज हैव 10:25 तक बता दो आंसर, बस 3 मिनट और है. आइस रिमेनिंग बतानी है. सिमर करेक्ट गुड मिलन आइस रिमेनिंग है ये. नहीं नहीं सर ये आइस रिमेनिंग नहीं है सर, मैं अभी वही भेजने वाली थी पहले. सर अब देखना. नहीं अर्शिया ज्यादा अप्रोक्सीमेशन लगा दी लगता तुमने. सर अब देखना. ठीक है करेक्ट गुड निष्ठा कर गुड. सर कैलकुलेशन का एक तो खेल था इसमें बस. हाँ नहीं लेकिन बस दिमाग में तो लगाना है ना करना क्या है, एरिया क्या है, लेंथ क्या है. ठीक है जसकिरत गुड. दीप्ति नोप. गौरी ओके ठीक है चलो कैन बी टेकन. अर्शिया दोबारा फिर वही भेज दिया. मैंने यूनिट चेंज किया है बार नहीं. गुरकर्मन इज दिस द आइस लेफ्ट. कुशल अग्रवाल नो. सर आसपास भी नहीं है ना भाई. दीप्ति करेक्ट. गुरकर्मन करेक्ट. हाँ जी बोलो. क्वेश्चन समझाने से पहले ना एक बारी मेरा वो सुनना कॉन्सेप्ट. मैंने क्या सोचा है वैसे गलत लग रहा है. सुनाओ सुनाओ. कि सर पहले तो वो क्यू बाई टी वाला फॉर्मूला लगा के क्यू की वैल्यू निकाल ली. अच्छा एम एल के से इक्वेट कर दिया. हाँ ठीक है करना तो ऐसे ही है. ऐसे करना. हम्म. मेरे को लगा गलत है फिर मैंने किया नहीं. देखो ये है एक दीवार इसकी इसकी आइस बॉक्स की. ठीक है एक एक साइड बनाई है मैंने. ऐसे ही इस तरफ भी होगा इस तरफ भी होगा. इट विल बी दिस आइस बॉक्स विल बी लाइक. ठीक है कुछ ऐसा आइस बॉक्स है जिसकी एक दीवार हैज सम थिकनेस. Has some thickness. जैसे आप जिस कमरे में बैठे हो उसको समझ लो आइस बॉक्स है. ठीक है अर्शिया यू आर अ बिट नियरर बट नहीं अभी भी दूर है हमसे. ख्याति करेक्ट. अभी सुनो ध्यान से इधर एवरीवन. जैसे वो कमरा भी तुम लोगों ने आइस बॉक्स एज्यूम कर लिया है ना. इस कमरे की हर जो साइड लेंथ है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर. ये 30 सेंटीमीटर है राइट. एंड जो इस दीवार की थिकनेस है वो है 5 सेंटीमीटर. इस दीवार की ये वाली थिकनेस ये 5 सेंटीमीटर है. अब अंदर इस बॉक्स के 4 किलो आइस पड़ी है 4 kg आइस पड़ी है. ठीक है तो अंदर का टेम्परेचर हम कितना लेंगे 0 degrees. और बाहर जो रूम टेम्परेचर 45 degrees एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है दैट इज 45 degrees. ऑब्वियसली ये जो एटमॉस्फेयर से हीट अंदर जाना चालू कर देगी. स्टार्ट कर यस सर इन दीवारों में से ही जाएगी. यस सर तो इस हीट को कितनी लेंथ ट्रेवल करनी पड़ेगी अंदर 30 करनी पड़ेगी. तुम जिस कमरे में बैठे हो
बाहर धूप है, अंदर कमरा है, ठीक है, कमरे में बैठे तुम लोग, कितनी लेंथ बाहर से जो हीट आ रही है अंदर की तरफ, उसको कितनी लेंथ ट्रेवल करनी पड़ेगी? 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जो दीवार की मोटाई होगी वही तो लेंथ है हीट के लिए। यस यस सर। इस बात में किसी को कोई शक? नो सर। आपने तो पीछे बनाया वो नहीं समझ आया कैसे बनाया, मतलब आगे वाला तो समझ आ गया, पीछे आपने एक्सटेंड कर दिया वो कैसे? अरे ये चारों तरफ है, ये तो एक दीवार बनाई है मैंने, दिस इज वन वॉल, ये पूरा डब्बा नहीं है एक जो आगे बनाया मैंने। अच्छा समझ में आ रही अब ठीक है। यस सर। तो इस दीवार, तुम लोग रूम के साथ इसको वो करो, इमेजिन करो, है ना, रूम की जो दीवार की मोटाई है दैट विल बी दी लेंथ फॉर दी हीट टू ट्रेवल, राइट? हीट टू ट्रेवल सर। हीट जो है और सारे 6 के 6 फेसेस में से हीट अंदर जाएगी। यस सर। तो उसके लिए एरिया जो हम क्यूब एटी वाले फॉर्मूले में एरिया लिखना है, 6s² और टोटल इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 6a² इट विल बी 6a² राइट। तो हम जो क्यूब एटी वाला फॉर्मूला है उसमें एरिया कितना यूज करेंगे? 6a² लेंथ कितनी यूज करेंगे? 5 सेंटीमीटर लेंथ इज 5 सेंटीमीटर इसमें किसी को कोई शक है? नो सर। तो देयरफॉर क्यू बाय टी, मतलब क्यू निकालना है हमें, क्यू इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाय एल इनटू टी, के की वैल्यू दे रखी है 0.1 इनटू एरिया हो जाएगा 6a² इनटू 0, ये कितना है 0.3 स्क्वायर इनटू डेल्टा टी कितना है 45 माइनस 0 और टाइम उसने कितने टाइम में पूछा? 6 घंटे में 6 आवर्स तो इसको एज इट इज 6 करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे? सेकंड्स में। हां क्योंकि सेकंड सब में सेकंड पहला उधर नीचे उधर के में तो कुछ ऐसा ही में करो तो 6 इनटू 6 घंटे में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको? 6 × 3600 से मल्टीप्लाई 3600 एक घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट्स × 60 सेकंड यस डिवाइडेड बाय लेंथ बाय 5 बाय 5 और 10 और यहां से क्यू की वैल्यू जरा बोलना कितनी आ गई तो निकालनी है ये के बाद अभी ml बाद में निकाल लेना ठीक है। उसके बाद इस q को जो भी आया यहां से ml के इक्वल पुट करेंगे, एक्सपेंड करेगा यही मेल्ट कर, हां दिस q विल मेल्ट आइस, देयरफॉर q इज इक्वल टू ml हो जाएगा। तो मास कितना हो जाएगा? देयरफॉर मास इज इक्वल टू q बाय l। तो यहां से जो भी आ रहा है 0.01 इनटू 6 इनटू 0.3 का स्क्वायर इनटू 45 इनटू 6 into 60 into 60 divided by 0.05 और L कितना है? 335 इसको solve करके जो M आ रहा है that is approximately 0.31 kg। ये mass कौन सा है जो जो मेल्ट हो गया दिस मास ऑफ आइस हैज मेल्टेड तो मास रिमेनिंग कितना होगा? 4 − 0.31 दैट इज 4.36 मेरे आंसर में डिफरेंस आ रहा है। मेरे भी सर में तो 0.29 आ रहा है। मेरा तो मेरा सर आंसर 3.65 आ रहा है। 3.65 कोई बात नहीं चलो 3.2 ठीक है उसको 7.1 हां वो तुम लोग मैच कर लेना एक बार कैलकुलेटर से चेक ठीक है ओके सर। बाकी कांसेप्ट समझ में आ गया दैट इज इंपॉर्टेंट। यस
सर एक बार ना अपने ये 6 × 3 स्क्वायर कैसे लिए एक बार बताना. 6 × 0.3 का स्क्वायर 6a² है. दिस इज एरिया. सर इसमें जो 5 सेंटीमीटर थिकनेस दी हुई है ना ये सर जो आगे वाला वो है उसका फेस उसकी है. मतलब तुम बोल रही हो यहाँ पे क्या आना चाहिए 0.25. नहीं नहीं सर 0.25 तो नहीं आना चाहिए पर सर वो सरफेस एरिया लेंगे हम यहाँ पर. एरिया लेंगे ना यहाँ पे. सर मैंने ना मतलब टोटल एरिया जैसे साइड का एरिया ले लिया. अच्छा नहीं नहीं ये तो इसका एरिया है. एक का ए स्क्वायर है. एक साइड में से हीट घुसी उतनी ही दूसरी साइड में से घुसी. ऐसी 6 साइड्स हैं जिसमें से हीट जाएगी अंदर. ओके सर ठीक है. ठीक है फेसेस दीवार दीवार का एरिया एक एक साइड की दीवार का एरिया ए स्क्वायर. ठीक है सर. और इस क्यूब की कितनी वॉल्स हैं. 6 हैं सर. 6 वॉल्स. हर जगह से जाएगी हीट. बिल्कुल हर जगह से जाएगी. नीचे से भी जाएगी. से भी जाएगी. नीचे वाली जमीन भी तो रूम गरम. और सर तो आपने थिकनेस लिया मतलब जैसे रूम की देखे तो जो दीवार की थिकनेस है 5 उसको क्रॉस करके जाएगी इसीलिए 5 लिया हमने लेंथ. इसलिए 5 लिए. बिल्कुल जो दीवार की थिकनेस है वो उसके लिए लेंथ बन जाएगी इसलिए. यस सर ठीक है. अब सर अब कर रहा हूँ अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ. ओके सर अभी आपने कुछ फेस तो नहीं करा. नहीं नहीं अभी नहीं. क्योंकि उड़ गया सर. अब उड़ गया. यस सर. सेकंड लेक्चर का भी खत्म. नहीं नहीं खत्म नहीं. सीरीज पैरेलल जो है वो कल करवाएंगे. टेस्ट आज होमवर्क नहीं मिलेगा. कंडक्शन का मिलेगा दूंगा सिर्फ जिसमें सीरीज पैरेलल यूज नहीं होगा ना वो. ओके तुम लोग का टेस्ट इस संडे तो नहीं है ना. नो सर. सर पूरा कैलकुलेट करके भेजना. बिल्कुल. सर अप्रोक्सीमेशन लगा के भेजना. नहीं ज्यादा मत करना है अप्रोक्सीमेशन.
मैं थोड़ी सी कुछ कुछ पॉइंट्स के अप्रोक्सीमेशन. आंसर अरे यस सर एक मिनट सर. हाँ जी यहाँ पे हमने वो टेम्परेचर निकालना है जितने जो फ्लेम का टेम्परेचर है ना डेल्टा टी निकालना है ना. डेल्टा टी निकालना है मतलब वही निकालना ना बहुत नहीं सर हमें फ्लेम का निकालना है मतलब 100 प्लस करना है ना उसमें टी माइनस 100 आएगा. मैं भी वही लेकिन सर मेरा तो आंसर बहुत गंदा आ रहा है उससे माइनस में आ रहा है सर आप देखो तो. हाँ आप कहोगे कि 100 के ऊपर आ रहा है. नहीं मैं तो 10^1 माइनस में जा रही है वैल्यू मेरी भी वो डेल्टा टी की आ रही होगी. अरे पर उसमें 100 ही तो प्लस होना और तो कुछ होना ही नहीं सर देखना. सिमर करेक्ट और ठीक है गुड सर. इतनी गंदी कैलकुलेशन कहाँ से ढूंढ के लेके आते हैं. एंड यू नो व्हाट दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन. मतलब सिमर ने के सिमर से पूछना उसने के क्या लिया 10^9 इससे तो बहुत वो आ रहा है 10^9 नमन ना भाई सर इससे अरे क्या कर रहे हो तुम लोग 10 की पावर 2 मिनट सर देखना हमें तो आप देख लो चलो. अरे खतरनाक अरे क्या कर रहे हो सर 100 से ज्यादा आएगा और काफी ज्यादा है. हां सर मेरा तो बहुत कम आ रहा है 100 वही तो चक्कर है माइनस में क्यों जा रही है. यस सर 10 की पावर माइनस 7 आ रही है. हां तुम कैसे हो सकते हैं. यस सर 10 की पावर माइनस 7 आ रही है. मेरी तो माइनस 11 आ रही है. मेरी माइनस 10 की पावर माइनस 7 आ रही है. माइनस 7 आ रही है सर. माइनस 7 आ रही है सर. 1 सेकंड एक मिनट फिर सर सबने डेल्टा सर 10^9 क्या किया है सर सिमर से सर 10^9 तो ली नहीं मैंने तो 109 ले ली.
मेरे को तो लग गया एक मिनट मैंने तो अरे मैं तो ध्यान से देखा ही नहीं सर असल में क्या है बताना झोल किया सिमर हाँ पता है सर तो मेरे को तो 109 लगा तो मेरा कर दिया अरे इसकी गलती हमेशा ऐसी क्यों होती है तुक्का यार कितना मस्त मेरा तो कभी ऐसा तुक्का नहीं लगता तुक्के ना वहाँ पे नहीं चलते जब सर्कलिंग करने थे सर्कल गलत हो जाते हैं वो मेरे वहाँ पे बड़े सही लगते हैं सर अपने अब कर ले थोड़ा टाइम हाँ हाँ करो करो 109 तभी तो मेरी कैलकुलेशन गंदी हो रही थी इतनी पॉइंट्स में हमारे दोस्त से भी गंदी थी सिमर अच्छा उससे भी गंदी आ रही है टेनिस टू एक मैं करके देखती हूँ सर वैसे टेनिस पावर 9 से करके देखना नहीं नहीं 109 पहली बार गलती का फायदा हुआ दोबारा नहीं करना पड़ा क्वेश्चन टेन पावर 9 तो बहुत ज्यादा है लेकिन तूने सॉरी सीमर तूने क्वेश्चन पढ़ा तो नहीं हुआ था ना पहले नहीं मैं कहाँ से पढ़ूंगी क्वेश्चन आज तो कंडक्टर कर रहे हैं हाँ सच दुक्मन करेक्ट सर वैसे तो मिलन ने बताया कि प्लस 100 करना है तो मैंने कर दिया पर ये करना क्यों है ये मेरे को समझ में नहीं आया क्योंकि डेल्टा टी आएगा जो भी तेरी वैल्यू आएगा वो तो डेल्टा का 100 और पूछा क्या उसने उसने तो फ्लेम का पूछा तो सिमर क्या करेंगे फ्लेम 100 पे है इस साइड में ज्यादा होगा फ्लेम की साइड पे ज्यादा हां फ्लेम पर ही ज्यादा सिमर सिमर फ्लेम वाली साइड पे ज्यादा होगा या अंदर बॉयलर के अंदर फ्लेम वाली साइड पे होगा तो ऐड करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे नहीं ऐड ही करेंगे ठीक है अरे प्लस करके बताओ भाई तुम लोग अरे डेल्टा टी नहीं मेरे को टेम्परेचर ऑफ फ्लेम सर देखो भेजा है आपको आंसर 12 भेज दिया नहीं वो तो गलत है जो भेजा है क्या पता सर अभी कैलकुलेशन मिस्टेक किया कुशल गर्ग किसका टेम्परेचर है ये दीप्ति करेक्ट नहीं करेक्ट नहीं है थोड़ा ज्यादा थोड़ा फर्क है इसमें दीप्ति नमन नहीं निष्ठा करेक्ट रिया करेक्ट मिलन नहीं ज्यादा प्रबल करेक्ट अग्रवाल थोड़ा पास पास है अर्शिया अर्शिया तुम ऐड करके भेज रही हो यस सर ये ऐड करके भेजा है तुमने क्या ऐड किया मतलब ये 1400 रुको मैं फिर से करती हूँ तुम्हारा फ्लेम डेल्टा डी कितना आया सर 1379.8 नहीं बहुत ज्यादा है आंसर देखो अरे मेरा नहीं हुआ सर एक मिनट चेक सर रुको अभी सर आंसर 100 से हल्का ज्यादा है ना बस नहीं 200 से ज्यादा नहीं 200 अरे क्यों फ्लेम में ऐड नहीं करना उसको तूने तो बताया मेरा तो 100 पॉइंट समथिंग आ रहा है बस डेल्टा टी हां 137 जो है वो डेल्टा टी है यस तो मेरा डेल्टा टी आपने क्यों बता दिया मैं तो खुद ही ये बोल रही थी कैलकुलेट करना खुद ही है वो थोड़ी बताया मैंने अभी सर कितना ज्यादा कैलकुलेशन रह गई तुम्हारे पॉइंट में कुछ गड़बड़ आ रही है नीचे कर
सर आ गया आंसर। एक काम, मैं मेथड बता रहा हूँ तुम लोगों को। अरे वो आंसर भेज रहे हो, मुझे बता दो सही ही कर लो। मेथड तो पता ही नहीं, मेथड तो पता ही लग गया सर। अब कैलकुलेशन करके दिखाओ इस क्वेश्चन। अब ठीक है तो आंसर। हाँ ठीक है, जसकिरत एंड निवेदिता करेक्ट है। सर अभी आप रुको दो मिनट। सर आंसर 137 है या 117 प�137 डेंटिटी सर। ये 1 मिनट को 60 कर लिया था ना, 60 सेकंड्स में के मिनट में ले जा रही है। कर लिया था 60 सेकंड्स। और 2 to 5 6 में 10 की पावर 3 है, मैंने लेनी थी पहले। हाँ वो है 10 की पावर। मैं 2 to 5 6 में 10 की पावर 3। आंसर ओ यार फेल है कि भाई पूरा देखो रैगी। सेंटीमीटर को मीटर में कर लिया उधर थिकनेस को। हाँ सर मेरी यही आ रही है। यस सर यही है। सर मेरा तो नहीं आ रहा। 37 आ रहा है मेरा। तेरा तो पहले ही आ गया सिमर, तू चुप कर जा। सर मेरा तो गलत आया फिर। क्यों तेरा कितना है? मेरा तो 238.12 आ रहा है। यार क्या फर्क पड़ता है? ओह माय गॉड। सर आ गया सर मेरा। सर मैंने कभी नहीं देखा। फर्क तो पड़ ही रहा है सर। सर चुप हो जा। और देखो सर, इतनी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? द एनसीईआरटी वाले से पूछो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आ गया मेरा आंसर। ब्रास बॉयलर हैज अ बेस एरिया, बेस का एरिया दे रखा है, तो क्यू बाई टी में जो हमने एरिया यूज करना है वो यही ले ले। वो यही ले ले। एरिया हमें दे रखा है पॉइंट। सर एरिया दो बार एक है, ए ए टी लिखना था सर ने वहां पे। टाइम तो आपने समझ टाइम। अच्छा तो क्यू, और यही क्यू क्या करेगा? उसके बाद हमें वैल्यूज पुट करके गंदी सी कैलकुलेशन करनी है। डेल्टा टी इज इक्वल टू मास 6 kg पर मिनट है। राइट सर, पर मिनट 6 kg पर मिनट। सब कुछ एसआई में यूज कर रहा हूँ, सब कुछ। लेटेंट हीट हमें दे रखी है एसआई में ऑलरेडी दे रखी है, तो हमें वही इनटू 10^3 और लेंथ थिकनेस होगी उससे 1/100 मीटर। 1/100 बन जाएगी। यस सर। डिवाइडेड बाय k 109.9 तो यहाँ से जो आंसर आएगा दैट इज 137.98। देयरफॉर temperature of boiler or temperature of the flame is 100 + 137.9, that is 237.98 जो फ्लेम है जो पानी को बॉइल कर रही है उसका टेम्परेचर हमने निकालना है, और जो पानी बॉइल होकर स्टीम में जा रहा है वो 100 degrees Celsius पर होगा। कहाँ पे होती है स्ट्रीम, किस कितने टेम्परेचर बनते हैं? 100 डिग्री। इसलिए अपने को पता लगा कि वहाँ पे 100 है क्योंकि बॉइलिंग दे रखी है। यस सर। ठीक है, चलो ठीक है जी। तो मैं तुम लोगों को क्वेश्चन छांट के भेज दूंगा, इसके कल को हम सीरीज पैरेलल करेंगे, उसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। दैट्स इट, गुड बाय। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर सेंड कर दिया था वो। ठीक है, क्वेश्चन मिल गया। सर जो इसका लास्ट टॉपिक है ना वो नहीं करेंगे ना हम अभी? नहीं, रेडिएशन अभी फिलहाल के लिए नहीं करेंगे। सर कल ना जेई वो आया था एक मैसेज कि जेई कोई डिलीट नहीं होगा। हाँ तो मतलब नीट भी ऑलमोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, तो उसको करेंगे हम बाद में। कर लेंगे हम, करेंगे या गवर्नमेंट कुछ करेगी? सर फिजिक्स में तो चलो हो जाएगा जो है अभी। सर बायो में तो मॉर्फो सब कहाँ खुश है, हम सिलेबस खत्म है अभी, इन्होंने फिर से शुरू हो गया। सर जे 4 बार हुआ करेगा।
जेई चार बार हो गया तो नीट भी दो बार सर नीट के दो बार भी नहीं करते जेई चार चार बार करेंगे देखो कुछ कुछ शायद आ रही थी कि शायद नीट एक दो साल में दो बार हो जाए बट तो हमारे बाद ही होगा सर फिर तो बस स्टिल हां स्टिल प्रपोजल जाएंगे क्या होगा क्या नहीं अभी कुछ भी अभी नियर फ्यूचर में तो होने वाला नहीं तुम लोगों के टाइम पे शायद हो जाए जेई तो कर दिया ना फिर हमारा क्यों नहीं ये हम मोर्चा लगाते हैं जैसे कि सारे लगा रहे हैं सर वो तो मुझे कर रहा है वहां पर सर जेई चार बार फिर उसको देके एडवांस भी होगा मतलब ऐसे चलेगा जेई चार बार होने के बाद एडवांस होगा मतलब पास तो एक ही बार होगा नहीं जेई एडवांस अलग चीज है वो तो एक ही बार होगा वो सर इतनी बार जेई एडवांस अलग है यार वो तो आईटी का पेपर है सर रिटन ट्रायल चल रहा है यहां पर जितनी ज्यादा बार होता है उतनी तो टेंशन होती है हमारे टाइम पे क्या करे पहले रखते एक बारी जब हमने नीट दे दिया हमारे रिजल्ट आ गया और भगवान ना करे अच्छा ही है वैसे तो और अगर कुछ आगे पीछे हो गया ना तब ये कह दे दूसरा नीट भी है अरे वाह अरे रे इससे बोले देगी ये अपने जाके प्रपोजल वहां पर बहुत बढ़िया उनको बोल देंगे जिया का पेपर चेक कर लो अगर जिया का अच्छा हो गया तो ठीक है ठीक है नहीं तो दो बार एक बार नहीं तो दूसरी बार ठीक है सर नहीं सर अगर मेरा अच्छा हो गया तो अभी ये दूसरी बार ही कर दे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बस कहीं तो एडजस्ट कर ले अब चलो जी बाय ओके थैंक यू सर थैंक यू सर बाय बाय